हेलो एवरीवन, आदाब, पहलाग, नमस्कार, गेम जो मजम्मा। मैं हूँ ब्लॉगर पिया और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यानी कि ब्लॉगर पिया पे। तो आज मैं जा रही हूँ, वाइल्ड लाइफ वीक हमारे उधर सेलिब्रेट हो रहा है, इसको इसका समापन समारोह है यानी कि इसकी क्लोजिंग सेरेमनी है। 1 अक्टूबर से ये स्टार्ट था, इसमें काफ़ी अलग अलग एक्टिविटीज हुई हैं, तो वो सब मैं आपको भी थोड़ी ही देर में दिखाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे दादी आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। अब क्या बोल रहे हैं? जो भी बोलना वही। हेलो, धन्यवाद सभी लोगों को, देखने वालों को भी और गांव के लोगों को भी। जहाँ जहाँ आप लोग जाओगे सब हमारे तरफ से आशीर्वाद है। तो दाजी ने अपना आशीर्वाद दे दिया है, तो हम चलते हैं सीधा वाइल्ड लाइफ गैलरी में और मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ किस तरीके की अलग अलग एक्टिविटीज हुई थी। तो चलिए चलते हैं। तो हम ढिकुली जा रहे हैं, लेकिन दद्दी कुछ कह रही है ढिकुली जाने में क्या लगा है। बाघ लगा है। दाजी कुछ कहना चाहोगे? सो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी में, जो आपके ढिकुली से रामनगर वाली जो मिड रोड है, यानी जब आप रामनगर से ढिकुली जाते हो तो बीच में रिंगौड़ा नाम का एक गांव पड़ता है, वहां पर ये बनी हुई है। ये दरअसल 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह यानी कि जो वाइल्ड लाइफ वीक था वो सेलिब्रेट हो रहा था। तो उसमें क्या क्या हुआ था, इस गैलरी के अंदर क्या क्या है, ये गैलरी किसने ऑर्गेनाइज़ की है, क्या इसकी स्पॉन्सरशिप कौन कौन है, वो मैं आपको सारी डिटेल में बताऊँगी। तो चलिए पहले फटाफट से हम गैलरी के अंदर जाते हैं, देखते हैं कि दरअसल गैलरी में एग्जैक्टली क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें हम मतलब गैलरी से सीख सकते हैं। तो चलिए आपको मैं गैलरी के अंदर लेके चलती हूँ। तो दरअसल इसमें 3 फेज है अगर मैं बोलूँ जगह की, तो 3 अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं और इस गैलरी में जो ब्यूटीफुल से पिक्चर्स हैं वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं दीप प्रज्वार, उन्होंने सारी पिक्चर्स क्लिक करी हैं। इन पिक्चर्स से मतलब मुझे ये चीज़ एटलीस्ट फील हुई कि मतलब जो हमारा नेचर होता है, हमारी जो प्रकृति है वो कितनी सुंदर है। मतलब उसका हर एक कण, चाहे जीव हो, जंतु हो, चाहे वो जगह हो, अपने आप में ही एक अलग पहचान है। इन पिक्चर्स को देख के आप इजीली मतलब जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो फोटोग्राफर है उसने काफ़ी अच्छी क्लिक्स ली हैं एंड कितनी मतलब लेने में, एक शॉट लेने में हमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कितने क्लोज से जाके उन चीज़ों को फील करना, दैट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग। मतलब प्रकृति के हर एक रंग मुझे यहाँ दिख रहे हैं, कितने ब्यूटीफुल से बटरफ्लाइज हो गई और अलग अलग पिक्चर्स हो गई, जो आपकी कैटरपिलर्स की हो गई, इंसेक्ट्स की हो गई, छोटे छोटे इंसेक्ट्स मतलब जो नेचर में हैं, और काफ़ी टाइम हम उनकी मतलब ब्यूटी को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो दरअसल ब्यूटी नेचर की है वो कभी फेड नहीं होती, बाकी तो आर्टिफिशियल ब्यूटीज चलती हैं। यहाँ पे कुछ बोर्ड्स भी दिए गए हैं स्पेशली जो इधर पर्टिकुलर फेमस है, जैसे जिम कॉर्बेट हो गया, डस्ट मर्ड बाथिंग हो गया, आपका सीतावनी रेंज का हो गया, उसके बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है अंदर इस गैलरी में। यहाँ पे इनकी पूरी जर्नी लिखी गई है, मीन्स पर्टिकुलर द पर्सन हु इज़ द फोटोग्राफर हियर, जिनकी ये क्लिक्स है उनके बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखा गया, एग्जैक्टली उनके प्रिंट्स कब आए थे और उनकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी। चलिए आपको 3rd ब्लॉक में लेके चलती हूँ मैं। मीन्स आप पिक्चर्स देखिए, कितनी प्यारी पिक्चर्स हैं। पेशेंस होता ना मतलब जो फोटोग्राफी में, भाई दैट्स वेरी कमेंडेबल, बिकॉज आपको एक पर्टिकुलर शॉट के लिए कितने शॉट्स लेने पड़ते हैं, एक परफेक्ट जो शॉट होता है, आप ये देख सकते हो कितना परफेक्ट शॉट है ये। टाइगर फैक्ट्स, एवरीथिंग इज डिटेल इन हेयर।
मुझे तो वो जंप वाला पिक्चर बहुत प्यारा लगा था, वो जो आपको दिख भी रहा होगा ये टाइगर जंप वाला, आप लोग को मस्ट विजिट करना चाहिए, मतलब पिक्चर्स देखने चाहिए, बहुत प्यारे पिक्चर्स हैं। फेयर्स आईज, ये पूरा एरिया आपके कॉबर्ट नेशनल पार्क के रूट में पड़ता है, तो आप कभी भी विजिट कर सकते हैं इधर कॉबर्ट। सो आई होप कि आपको गैलरी काफ़ी अच्छी लगी होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको गैलरी कैसी लगी है। सो फाइनली गैलरी में आप लोग को दिखा चुकी हूँ, अब मैं आपको लेके चलती हूँ वाइल्ड लाइफ वीक का जो समापन समारोह होने वाला है, यानी कि जो 1 वीक से एक्टिविटीज चल रही थी उसके प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर और भी उसमें क्या क्या हुआ था वो मैं सब आपको अब डिटेल्स में बताने वाली हूँ। एंड एग्जैक्टली क्या हुआ था वाइल्ड लाइफ वीक में, 1 वीक में एग्जैक्टली होता क्या है, ये सब मैं आपको डिटेल्ड में बताने वाली हूँ। तो चलिए, सो फाइनली ये 1 से 7 अक्टूबर तक हुआ था, जैसे मैंने आपको बता दिया था, वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी रिंगौड़ा गांव में पड़ती है, जो आपके रामनगर से ढिकुली जाने के बीच में पड़ता है। आप देख सकते हैं जो भी इनके स्पॉन्सरशिप है वो सब यहाँ बोर्ड्स पे नोटेड है ऑलरेडी। एंड ये जो सारी फोटोग्राफी थी, यानी कि जो सारे पिक्चर्स थी, वो दीप रजवार यानी कि जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है इनके द्वारा ली गई थी। अब मैं आपको लेके चलती हूँ इसके समापन समारोह में। तो ये था वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए सीधा लेके चलते हैं समापन समारोह की तरफ। यहाँ पर आज प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन और भी कुछ एक्टिविटीज होने वाली है इवनिंग के टाइम पे, तो ये थे आज के वन्य प्राणी सप्ताह का समापन समारोह के बारे में और वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी के बारे में। अब मैं आपको पिछले जो एक हफ्ते में हुआ था, यानी कि 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर अगर मैं राउंड लेती हूँ कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई तो उन पर भी नज़र डालते हैं। उस वक्त हम यहाँ नेचर को और जो हमारा फ्लोरा एंड फौना है उसको भुगतना पड़ता है। हमें इस चीज़ का एहसास बहुत देर से होता है, जब हम देखते हैं कि अच्छा अब पक्षी नहीं आना चाहते हैं, हम अपने कल्चर को बचाना चाहते हैं। उसी तरीके से जैसे कि एनिमल्स हैं, दुनिया भर की बायोडाइवर्सिटी है वो भी खुद को बचाने का प्रयास करती है। हम देखते हैं इन्वेजन होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, वो इन्वेजन करते हैं, वो पूरा पूरा पेड़ खोखला कर देते हैं। ये कुछ मनमोहक प्रस्तुतियां हैं जो बच्चों द्वारा की गई थी, दरअसल कुछ प्ले किए गए थे, कुछ एक्टिविटी जिसमें आपके फॉरेस्ट जो हमारी थी वो जंगल था, हमारा मेन थीम था, जिस वजह से वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है अगर मैं बोला, और कुछ डांस परफॉर्मेंस की गई थी अलग स्कूल्स द्वारा। अब बात करते हैं ये एक्टिविटी चार्ट है जो दरअसल आपका 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर का पूरा जो अराउंड क्या क्या हुआ था उसके बारे में पूरा आपको डिटेल्ड वे में दिया है कि किस दिन कौन सी एक्टिविटीज़ हुई थी, वो आप इजीली यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। एंड अब आगे जो वीडियोज़ और में आप क्लिप्स देखने वाले हैं वो दरअसल पूरे वीक की एक्टिविटीज़ की कुछ क्लिप्स है, आई होप कि आपको क्लिप्स पसंद आएंगी। सो ये आर्ट गैलरी ट्रस्ट द्वारा जो काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया था मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड मैं पर्सनली इस प्लेटफॉर्म या जो अगर मैं बोलूँगी ये प्रोवाइड किया गया था ये सेलिब्रेशन 1 वीक, ये काफ़ी हमें बहुत
ज़्यादा नॉलेज सिखाता है, हमारे जंगलों के प्रति हमें जोड़ता है। क्योंकि हम दरअसल मैं मानती हूँ कि हम क्यों हम पर्टिकुलर वीक पे ही निर्भर रहे, हमें रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए कि जिससे हमारे जो फॉरेस्ट है वो कंजर्व हो चुके। कहते हैं ना जंगलों से हम एक तरीके से, बिकॉज ट्रीज़ होंगे तो आपको ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा होगा, ऑक्सीजन सप्लाई होगा तो आप लोग बेहतर अच्छे होंगे। ये कोविड में आपने बहुत देख लिया है कि कोविड में जो हालत हुई थी ऑक्सीजन को लेके वो क्या थी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए सब्सक्राइब करके। और एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से चाहूँगी कि आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर अपने विचार व्यक्त कीजिए कि आपको क्या लगता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेके, जंगलों का जो संरक्षण होता है या उसके प्रति आपके क्या विचार हैं, हमें उसे कैसे कंजर्व करना चाहिए, आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, तो प्लीज़ वो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो ये था वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो की क्लिप्स बेहद पसंद आएंगी। अगर आई तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है।